हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नजारों को देखकर कोई भी गदगद हो सकता है। अमेजन की तरह दिखाई देने वाले घने जंगलों के बीच मौजूद ये वॉटरफॉल इन दिनों हर किसी को लुभा रहे हैं और इस झरने की खोज का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। लॉकडाउन के दौरान घुरमुनी के कुछ उत्साही युवाओं ने इसे तलाशा और इसकी तलाश करने के बाद इन युवाओं ने ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी तैयार किया, जिसके बाद प्रकृति की इस अनमोल धरोहर से अब लोग रूबरू हो पाएंगे। जैसा कि आप लोग अभी आ रहे हैं हमारे झरने में, ये झरना हमारा सदियों से है, हमारे पूर्वजों के ज़माने से। तो तब यहाँ अभी लोग इसलिए यहाँ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं हुआ करता था, नीचे से ये पहाड़ी रास्ता हुआ करता था। लोगों को इतना पता नहीं था इसके बारे में। जब हमारी टीम को लगा कि अच्छा टूरिज़म बन सकता है, तो हमारी भुरभुनी लायन टीम ने इसमें काम किया, इसमें रास्ते बनाए, यहाँ तक पहुँचने की सुविधा करी सब लोगों के लिए। और हम ये कहते सबको संदेश देते हैं कि COVID-19 चल रहा है, आप अपना मास्क लगा के आए। यहीं पर APS में पढ़ते हम। हाँ, काफ़ी सही लग रहा है। मैं और मेरा एक दोस्त आ रखे साथ हैं, हम दोनों वो है वहाँ पे खड़ा हुआ है। बाकी काफ़ी अच्छी जगह लगी, आने में थोड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन सही था। हम तो बात इस झरने की तलाश के बाद अब यह यहाँ चर्चा में आ गया है, जिसके बाद इस झरने में गोते लगाने के लिए अब हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी भी यहाँ तक पहुँच पाना आसान नहीं है। बावजूद इसके युवा हो या बच्चे या फिर महिलाएं, सभी इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करने की चाहत सजोए इस तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति की इस खास धरोहर तक पहुँचने का श्रेय उन स्थानीय युवाओं को भी देना बनता है, जिनकी खास मेहनत से यह मनोरम स्थल इस लायक बन पाया है कि लोग यहाँ इसका मजा ले सकें। और अपने मेहनताने के लिए इन युवाओं ने इसके लिए बकायदा 30 रुपए की फीस भी मुकर्रर की है। मैं पिथौरागढ़ लोकल से हूँ, बिलोंग करती हूँ, और मैंने सोशल मीडिया पे यहाँ के बारे में बहुत कुछ देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय करा। यहाँ का अगर रास्ता थोड़ा सा अच्छा होता तो हम यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन जाता। बस बहुत इंजॉय करा हमने। तो बहुत सुंदर जगह है, पिथौरागढ़ के भुरमुड़ी में है ये जगह। तो भुरमुड़ी गांव में ये झरना पड़ता है, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे मूल रूप से मैं पिथौरागढ़ का ही निवासी हूँ, तो मेरे को ये जगह रिसेंटली अपने दोस्तों के थ्रू पता चली। वैसे मैं गुड़गांव में हूँ, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मैं भी काफ़ी साइट सीइंग वगैरह कर चुका हूँ। तो इस झरने के अलावा बहुत सारी जगह और है पिथौरागढ़ में आपके लिए घूमने की। मैं भिंड से बिलोंग करती हूँ, मुझे ये सब जो भुरमुड़ी डैम है, भुरमुड़ी झरना है, मुझे ये सब सोशल मीडिया के जरिए पता चला और अपने फ्रेंड्स के जरिए पता चला। मैंने जब इसके बारे में सुना और कुछ फ़ोटोज़ चेक करी सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के रास्ता भले ही थोड़ा बहुत अटपट है, लेकिन जो यहाँ के जो एक्सपीरियंस हमें मिला वो कहीं और नहीं मिला, और यहाँ के जो हमें मज़ा आया और वो कहीं नहीं मिला है। और मैं चाहती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स चाहते हैं कि इस जगह का गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान, इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि इस जगह को हम विकसित कर सकें और रास्ता ताकि सबको पता चले इस जगह के बारे में। अभी भी सब लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है। अगर सब लोगों को पता चलेगा तो यहाँ सभी लोगों को आने में अच्छा लगेगा और इंजॉय कर पाएंगे इस जगह। हम यहाँ झरने में आए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बार हुआ है पिथौरागढ़ में, झरना पहली बार आया है, मैं बहुत अच्छा महसूस हो रहा हूँ। हम बहुत एक्साइटमेंट थे इसमें आने के लिए और हमें बहुत अच्छी मिली और हमने बहुत मस्ती करी और एक एडवेंचर टाइप का है यहाँ पूरा सीन और बहुत अच्छी पहाड़ी है। थैंक यू।
अब तक जंगलों के बीच छिपे इस खूबसूरत झरने को दुनिया के सामने लाकर स्थानीय युवाओं ने अपना रोल तो अदा कर दिया है, मगर अब आगे की जिम्मा सरकारी तंत्र का है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर की कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाकर आना पड़ता है। यही नहीं, इसके बाद 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता भी खतरों से भरा है, लेकिन इन सब के बावजूद इसके यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं।